2024 में मोदी का मुकाबला किससे होगा? कौन विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनेगा? मोदी के खिलाफ पीएम चेहरे की तलाश क्या अब खत्म हो गई? क्या विपक्ष को मोदी का विकल्प मिल गया है? जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा का पहले एक बयान सुनिए, फिर आपको पूरी कहानी बताते हैं। एनडीए में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन व्यक्तित्व के रूप में या एक पर्सनालिटी जो देश भर के स्तर पे देखा जा रहा है, उसके आधार पे यदि आकलन किया जाए तो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के हर तरह से योग्य हैं। अब उस व्यक्ति के बारे में यह कहना ठीक है कि राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से चीजें होती हैं, आज हम कोई दावेदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने की हर तरह की योग्यता रखते हैं। उस व्यक्ति के बारे में इस तरह का कहना कि सात जन्म में नहीं बन सकते हैं, सीधे तौर पे बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल बयान है और उनका जो मानसिक दीवार। एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन अगर पूरे देश में व्यक्तित्व के रूप में आकलन किया जाए तो नीतीश कुमार पीएम बनने के योग्य हैं। आज हमारी दावेदारी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की पीएम बनने की योग्यता पूरी है। किसी ने सच कहा है, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान वर्तमान सियासी परिस्थितियों में भले ही अपने नेता को खुश करने के लिए दिया गया हो, लेकिन यह भविष्य की बदलती सियासत का संकेत है। अचानक ये सवाल सियासी फिजाओं में तेज हो गया है कि 2024 में मोदी के मुकाबले विपक्ष का चेहरा कौन बनेगा। लंबे समय की कवायद के बाद आखिरकार विपक्ष को वो चेहरा मिल ही गया। विपक्ष जिस मजबूत और सर्वमान्य चेहरे की तलाश कर रहा था, आखिर उसकी तलाश पूरी हो गई। आज तय हो गया कि 24 में बीजेपी और मोदी की राह आसान नहीं होने जा रही, उन्हें मजबूत टक्कर विपक्ष की तरफ से मिलने जा रही है। देश में जब जब बदलाव की बयार बही, तब तक बिहार उसका साक्षी बना। जेपी के आंदोलन से लेकर मोदी की ताजपोशी तक हर बार बिहार सियासत की प्रयोगशाला बनी। एक बार फिर से 2024 के लिए मोदी के विरोध में खड़े होने वाले चेहरे की सुबुगाहट भी बिहार से ही शुरू हो गई है। अब आपको बताते हैं कि विपक्ष की तरफ से मोदी के मुकाबले कौन सा चेहरा अब मोदी का विकल्प बनने जा रहा है। वो चेहरा है बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार का। बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू ने बीजेपी से नाता तोड़कर एक बार फिर आरजेडी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया है। इसी के साथ भविष्य की सियासत के संकेत भी मिल गए। 2024 में बनने वाले सियासी समीकरण की तस्वीर भी साफ हो गई। बिहार में बनने वाली नीतीश की सरकार में शामिल हुए जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, एचएएम, सीपीआईएम जैसे दल नीतीश कुमार को समर्थन दे रहे हैं। ये वही दल हैं जो भविष्य में एनडीए के खिलाफ एक मजबूत मोर्चे की पटकथा तैयार करेंगे। जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार ही अकेले एक ऐसे राजनेता हैं जो मोदी के विकल्प के तौर पर सामने आ सकते हैं, मोदी के लिए मजबूत प्रतिद्वंदिता खड़ी कर सकते हैं। मोदी और नीतीश कुमार की प्रतिद्वंदिता कोई नई नहीं है। 2014 में जब प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हुआ, तब नीतीश कुमार ने एनडीए से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि मोदी का नाम नीतीश कुमार को नागवार गुजरा था। उन्हें लगता था कि नरेंद्र मोदी का कद उनसे बहुत छोटा है और उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाना चाहिए। बदलते समय के साथ नीतीश कुमार ने मोदी के नेतृत्व को तो स्वीकार किया और एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बन गए, लेकिन जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले विपक्ष के चेहरे की बात हो रही है, ऐसे समय में नीतीश कुमार ने खुद को एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश किया है, क्योंकि ममता बनर्जी अति आक्रामकता की वजह से विपक्ष का भी स्वीकार चेहरा नहीं बन पाई, तो वहीं महाराष्ट्र में सरकार गंवाने के बाद शरद पवार की दावेदारी भी कमजोर पड़ी है। वहीं अरविंद केजरीवाल अब तक विपक्ष की सियासत में स्वीकार चेहरा बन ही नहीं पाए, और शायद यही वजह है कि आज एक बार फिर नीतीश कुमार उस आरजेडी के साथ वापस जाने को तैयार हुए हैं, जिसके लिए कभी उन्होंने कहा था कि भले ही वो मिट्टी में मिल जाए, लेकिन आरजेडी के साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता।
यकीन न हो तो जरा ये बयान सुन लीजिए। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। हम धरते या मिट्टी में मिल जाए, रहे या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़। आरजेडी के नया चेहरा तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार को देश का सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री बता रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के फैसले को नीतीश कुमार का अपना फैसला बता रहे हैं। अस्तित्व न्यूज के लिए पटना से ऋतिक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।